ओके okay. तो हमारा क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू थ्री डैम थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच हैश इंक्लूड कॉन आई ओ डॉट एच. ठीक है, वॉइड मेन गेट सी एच, प्रकार का हम लोग स्ट्रक्चर लिख लेते हैं. देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दो वेरिएबल बना लेते हैं, इंट आई कॉमा जे, जो हम लोग लूप में यूज करेंगे. देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इंट ए आर आर वन, और यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं. मैं इसको मैक्सिमम साइज दे देता हूँ 10, ठीक है, और यहाँ पे भी दे देता हूँ 10. ठीक है, ए आर आर टू में बना रहा हूँ, इसका भी मैं साइज देता हूँ, तो 10 10. ठीक है, 10 कॉमा 10. ठीक है, मैक्सिमम साइज हम दे दे रहे हैं. ठीक है, ए आर आर ऑफ थ्री में दे रहा हूँ, यहाँ पे भी हम लोग 10 10 हम कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ साइज डाल रहा हूँ 10, मतलब रोज कितने रहेंगे, 10 रोज रहेंगे. कॉलम कितने रहेंगे, 10 कॉलम्स हमारे पास होंगे. मैं करता हूँ क्लियर एस सी आर, क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं. देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे. तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक मैसेज को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ, डबल कोट स्टार्ट करते हैं, एंटर वैल्यूज फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स. ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स में हम लोग यहाँ वैल्यू एंटर करेंगे और यहाँ लिख देते हैं स्लैश एन. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप लगा लेंगे. लूप लगाएंगे, लूप से ही हम लोग यहाँ पे वैल्यू एंटर कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले साइज हम लोग यहाँ एंटर करेंगे कि साइज हम लोग को कितना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एंटर कर लेते हैं प्रिंट एफ. ठीक है, एंटर नंबर ऑफ रोज. ठीक है, एंटर नंबर ऑफ रोज हम लोग यहाँ पे कर दिए, और यहाँ पे स्कैन एफ से हम लोग इनपुट ले लेंगे. यहाँ पे मैं देता हूँ परसेंट डी डबल कोट्स के अंदर, और कॉमा देके हम लोग एम परसेंट एम दे देंगे. और यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेते हैं, एम कॉमा एन, जो हम लोग रोज के लिए या फिर कॉलम्स के लिए हम लोग यूज करेंगे. चलिए ठीक है, मैं एम की जगह मैं कर देता हूँ आर, और इसकी जगह कर देता हूँ सी. रोज के लिए आर होगा, सी होगा कॉलम के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे आर मैंने एंटर कर लिया, सेम वैसे ही मैं इसको करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, ताकि हमारा थोड़ा समय बच जाए. और यहाँ पे मैं एंटर करके पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सी. तो यहाँ पे वैल्यूज हम लोग को मिल जाएगी. देन उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स की हम लोग वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं. तो मैं यहाँ 3x3 मैट्रिक्स लूंगा. ठीक है, मतलब थ्री रोज रहेंगे और थ्री कॉलम्स रहेंगे. ठीक है, तो हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, फर्स्ट वाला लूप आई हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं. आई इक्वल टू जीरो से मैं स्टार्ट करता हूँ, और कहाँ तक जाएगा, ये फर्स्ट लूप है जो हमारा रो के लिए यूज होगा. आई इज लेस देन आर. ठीक है, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस. ओके,
देन इसके बाद हम लोग एक और लूप लगाएंगे फॉर, यहाँ पे हम लोग ने एक और लूप लगाया और यहाँ पे लेंगे जे, जे इक्वल टू जीरो जे प्लस प्लस, सॉरी जे इज लेस देन सी और जे प्लस प्लस, यहाँ पे हमने लोग ने वैल्यू ले ली। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, स्कैन एफ लगाएंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले लिखता हूँ प्रिंट एफ और यहाँ पे मैं करता हूँ ए आर आर ऑफ वन, ए आर आर ऑफ वन परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट डी और यहाँ पे परसेंट डी, ठीक है। चलो इतना ही बस। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्कैन एफ लगाएंगे। स्कैन एफ लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू इनपुट ले लेंगे। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डबल कोट्स के अंदर परसेंट डी कॉमा देके, मैं यहाँ पे क्या लूँगा ए आर आर ऑफ वन और आई और जे, आई जे, आई जे में हम लोग यहाँ ले लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे एम परसेंट। तो हम लोग का जो इनपुट होगा कुछ इस प्रकार से इनपुट हम लोग को मिलेगा। अब सेम मैं क्या करता हूँ सेकंड मैट्रिक्स के लिए कर देता हूँ, सेम मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको पेस्ट कर दिए, पेस्ट कर दिए। यहाँ पे हम लोग कर देंगे सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है हम लोग को, ऐड करना है, ऐड करना है और प्रिंट करना है। कैसे ऐड करेंगे और प्रिंट करेंगे हम लोग, ओके। कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे, सेम मैं इसको क्या करता हूँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो प्रिंटर है इसको हम लोग हटा देते हैं, इसके जगह पे हम लोग करते हैं प्रिंट। कैसे प्रिंट करेंगे हम लोग, मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, या फिर सबसे पहले हम लोग सम निकालते हैं, ठीक है। ए आर आर थ्री ऑफ आई जे, आई और इसके अंदर लिखेंगे जे इक्वल टू ए आर आर ऑफ वन, ठीक है, प्लस ए आर आर ऑफ टू। इस प्रकार से हम लोग वैल्यूज को ऐड करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे आई और जे और यहाँ आई और जे। इस प्रकार से हम लोग ऐड कर दिए और हम लोग प्रिंट किसको करेंगे, ए आर आर ऑफ थ्री को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ हम लोग लिखेंगे, डबल कोट्स देंगे, डबल कोट्स मैंने दिया और यहाँ लिख देंगे परसेंट डी स्लैश टी, स्लैश टी हम देंगे। देन उसके बाद कॉमा देके मैं क्या प्रिंट करूंगा, ए आर आर ऑफ थ्री और आई जे, आई कॉमा जे। इस प्रकार से प्रिंट करेंगे और जैसे ही फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम लोग न्यू लाइन, प्रिंट एफ और हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे न्यू लाइन स्लैश एन। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या किया यहाँ पे,
ठीक है, ओके स्क्रीन, ओके तो इस प्रकार से हम लोग ने यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है वो बना लिए हैं। अब हम लोग इसको करते हैं सेव, सेव करते हैं मैट्रिक्स मैट एड डॉट सी और इसको करते हैं कंपाइल ऑल्ट प्लस एफ नाइन। ठीक है, एक एरर आ गया, अनडिफाइंड सिंबल सी, ठीक है कैपिटल सी हो गया है यहाँ पे। इसको सेव करते हैं और फिर से इसको करते हैं कंपाइल, कोई एरर नहीं आया, और इसको करते हैं रन। ठीक है, एंटर नंबर ऑफ रोज मैं डाल रहा हूँ 3, ठीक है, एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स मैं डाल रहा हूँ 3, ठीक है, एंटर वैल्यूज फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, हमने वहाँ पे आई जे नहीं लिया इसीलिए इस प्रकार से दिखा रहे हैं, तो मैं यहाँ डालता हूँ 1, 2, 3, फर्स्ट रो कम्प्लीट, 4, 5, 6, सेकेंड रो कम्प्लीट, फिर उसके बाद 7, 8 और 9, थर्ड रो कम्प्लीट। ठीक है, देन उसके बाद एंटर वैल्यूज फॉर सेकेंड मैट्रिक्स, मैं सेम डाल रहा हूँ यहाँ पे 1 to 9, फिर से डाल रहा हूँ 1, 2, 3, फर्स्ट रो कम्प्लीट, 4, 5, 6, सेकेंड रो कम्प्लीट, 7, 8, 9, थर्ड रो कम्प्लीट। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के हम लोग को आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है। एक सेकेंड, और जब हम लोग इसको रन करेंगे तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा। सबसे पहले इसको करते हैं कंपाइल और इसको कर लेते हैं रन। तो मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड मैट्रिक्स में हम लोग सेम वैल्यूज डाल देते हैं 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3। तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को आउटपुट देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोग्राम मैट्रिक्स एडिशन का।